बिले दस्तक की टीम पहुंच चुकी है जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड बैरपुर के ग्राम पंचायत बरगदमा का ये निबिहवा चौराहा है और यहाँ हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। प्रधानी चुनाव कार्यकाल के 2 साल बीत चुके हैं और तीसरे कार्यकाल में प्रवेश कर चुका है, गाँव में कितना विकास हुआ है उसी मुद्दे पे हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। एक चीज बताइए, कौन इस गाँव के लोग हैं आप? हाँ, विकास के नाम पर बोलिए। ये देखिए चाचा गरम गरम पकौड़ी का सेवन कर रहे हैं और इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? समीउल्ला। समीउल्ला जी, हमको ये बताइए कि आपके गांव में विकास की क्या रूपरेखा, कितना कितना विकास? नहीं आता कहा जाने, जब हम ही रहे थे तो रोड अब चले थे, रोड माने का रोड तो पहले ही बना रहा। पहले से ज्यादा विकास हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ। विकास के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या लगता है आपको? बाहर ही रहे थे मर्दे, हम ना जानते। बरगदवा ग्राम पंचायत के और कौन से लोग आप हैं? कौन है बरगदवा के? बरगदवा के कौन है यहाँ? तक मिलता है, राग मिलता है। क्या नाम है आपका? हुसैनुद्दीन। कहाँ के रहने वाले? चौटलिया का। बरगदवा ग्राम पंचायत में है? हाँ, बरगदवा ग्राम पंचायत। अच्छा, अगर हम विकास की बात करें तो आपके गांव में कितना विकास हुआ है? लड़गनके के कितना भी गांव का विकास, गांव का? अब गांव का विकास तो हमारे गांव ये जो चक रोड खुदान है, पाइप लगा है, पानी अभी निकास नहीं भा है, और कौन विकास, और कौन विकास नहीं देखी थे। हाँ, शिक्षा की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? कहाँ स्कूल ना है बाबू, हमारे यहाँ कुछ नहीं, ना कुछ नहीं। विकास के लिए और क्या क्या जरूरत है, क्या लगता है आपको, क्या क्या होना चाहिए? अब विकास आप जो विकास के लिए वो चुनते, प्रधान चुनते हैं ना कि गांव का विकास हो, तो किस लिए चुनते हैं और क्या चाहते हैं, विकास में क्या चाहिए? जैसे प्रधान जो चुना जाता है कि चलो अपने ग्राम सभक रही है, सड़क बनी, बिजली आई, लाइट बनी, हेन तेन बनी, हर चीज की व्यवस्था रही, लड़कन आओ जाओ की व्यवस्था रही, जब कुछ नहीं होता तो का की है जी। विकास से कितने संतुष्ट हैं आप, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। बहुत संतुष्ट, बहुत ज्यादा विकास हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा विकास। ये तो रहा चौक, अभी हमारी बातचीत हो रही थी लोगों से, लोग यहाँ दबे मन से बोलने, खुल के नहीं बोल पा रहे, पता नहीं क्या वजह है। इसी कड़ी में हम गांव में चलते हैं और वहाँ भी लोगों की राय जानेंगे। तो चौराहे से हम आ चुके हैं गांव में, ये कौन सा गांव है? अच्छा, निबिहवा गांव में आ चुके हैं। यहाँ कुछ युवा साथी हैं और इनसे विकास को लेकर बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अशोक यादव है। अच्छा, हम ये जानने आए हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं गाँव में कितना पहुँच पा रही है, गांव का कितना विकास हुआ है? कौन सी योजनाएं? सरकार द्वारा संचालित जो भी स्कीम है। सरकार द्वारा क्या, बस यही टॉयलेट टॉयलेट मिला है यहाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। किसी भी गांव में चले जाए, मेरा ग्राम पंचायत बरगदवा है, यहाँ आप चले जाइए, बरगदवा में एक ग्राम स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पे ना तो टीचर है ना तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। जब टीचर नहीं है तो स्वाभाविक है बच्चे तो नहीं रहेंगे वहाँ पे, और ना स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है। यहाँ के लोग प्राइवेट जगह पे जाते हैं, यहाँ के बच्चे प्राइवेट जगह पे अपना क्लास करते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट जो छुरा छाप डॉक्टर उन्हीं लोगों से इलाज करवाते हैं। यहाँ से सरकारी अस्पताल कितनी दूरी पे है? सरकारी अस्पताल एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ ककरहमा पे है, एक कौटलिया में है, क्योंकि वहाँ पे ना डॉक्टर बैठते हैं। अभी आप चलिए, अभी इस टाइम हम आपको दिखा दें, वहाँ पे कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं होगा। हाँ, अच्छा अगर हम गांव की बात करें, गांव में हाँ, तो पहले से ज्यादा परिवर्तन हुआ है कि नहीं, और हुआ है तो क्या क्या हुआ? गांव में मेरे परिवर्तन यही हुआ है कि मतलब ये रोड बन गया, और केवल रोड की कमी थी अपने गांव में, रोड बन गया बस। बिजली तो वही कंडीशन है, आती है चली जाती, आती है चली जाती है, 10-10 बार कटता है। यही नवरात्र से कुछ सुधार हुआ है, नहीं तो फिर कहते हैं 12 घंटा बिजली आती है, 12 घंटा बिजली नहीं आती है। आप चले सोए रहेंगे मतलब दिन में 12 बजे कभी रात को बिजली आती है, उसके बाद में फिर चली जाती है, कब आया कब गया क्या पता। दिन में बिजली रहती है, रात में पर्याप्त बिजली नहीं रहती है। जैसे कि आप एक युवा हैं, जागरूक युवा हैं, तो विकास के लिए और क्या क्या जरूरत है गांव में? विकास के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ, जैसे अभी आपने जिक्र किया शिक्षा के स्कूल को लेकर, उसमें अध्यापक क्यों नहीं आते हैं? नियुक्ति है कि नहीं, कि क्या? अब नियुक्ति रहती तो टीचर आते, शायद नियुक्ति नहीं है इसलिए टीचर नहीं आते हैं। और कुछ प्रशासन की भी लापरवाही है, वो ऊपर से आके चेक नहीं करते, जो एक दो टीचर हैं आके फॉर्मेलिटी पूरा करके चले जाते हैं, तो टीचर नहीं है तो बच्चे स्वाभाविक नहीं पढ़ने आएंगे। अच्छा, टीचर आते हैं और फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। क्या नाम है विद्यालय का? विद्यालय का प्राथमिक
प्राथमिक विद्यालय बरगदवा, ग्राम सभा बरगदवा है, बरगदवे में ही स्कूल है। एक और युवा है, बात कर लेते हैं इसी कड़ी में। क्या नाम है भाई? हम ना बुला लिया, हमें ना बुलावा बोल दे। ये कुछ बच्चे हैं, पुआल लेके आ रहे हैं, इनसे जानते हैं। बेटा सुनो, कहाँ से आ रही हो? यहाँ से। ये कहाँ से ला रही हो? क्या है ये? खेत से पुईरा है। अच्छा, स्कूल जाती हो? स्कूल जाती हो? हाँ। कहाँ जाती हो? बीएफ में। तो प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं जाती हो? अच्छा मत बताओ, सरकारी में क्यों नहीं जाती हो? क्योंकि प्राइवेट की फीस तो महंगी होती है ना। हाँ। तो सरकारी में क्यों नहीं जाती हो? टीचर नहीं है। जाओ हंस रही बेटा, झूठ बोल।